हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज द लाइक इट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो है ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म मिलिटेंट नेशनलिज्म को एक्सट्रीमिज्म के नाम से भी जाना जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के अर्ली फेज ने जो था एटीन से नाइनटीन तक इस पीरियड में बहुत से लोग अवेयर हुए अबाउट द डेंजर्स ऑफ फॉरन डोमिनंस इस अर्ली फेज़ ऑफ़ इंडियन नेशनल मूवमेंट से बहुत से इंडियंस एजुकेट भी हो रहे थे और उन्हें पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी मिल रही थी लेकिन इस 20 साल के पीरियड में नेशनलिस्ट की ऑलमोस्ट हर डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ किया था और इसके कारण एक तरफ तो लोग जहाँ पॉलिटिकली कॉन्शियस हो रहे थे साथ ही उनको एक असमंजस की स्थिति भी महसूस हो रही थी रिगार्डिंग द मैथड्स एडोप्टेड बाई द मॉडरेट लीडरशिप और स्लोली एक स्ट्रॉन्ग डिमांड राइज करने लगी ऑफ मोर एग्रेसिव पॉलिटिकल एक्शंस एंड दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का मानना था कि मॉडरेट लीडरशिप के मेथड्स जैसे मीटिंग्स पेटिशंस मेमोरियल्स स्पीचेस इन लेजिस काउंसिल्स इन सभी मेथड से कोई फायदा नहीं हो रहा है आइए जानते हैं क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म सबसे पहला रीजन था रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ़ द ब्रिटिश क्योंकि लोग धीरे धीरे एजुकेट हो रहे थे तो वो रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे ट्रू नेचर ऑफ़ द ब्रिटिश रूल और उन्हें पता चल रहा था कि ब्रिटिश रूल एक एक्सप्लाइटेटिव रूल है ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इस दौरान नेशनलिस्ट राइटर्स एंड एजिटेटर्स देश में बढ़ती हुई गरीबी का कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बता रहे थे लोगों को ये भी समझ में आने लगा था कि जब तक ब्रिटिश इंपेरियलिज़म को रिप्लेस नहीं किया जाता बाय अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंड रन बाय द इंडियन पीपल तब तक इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो सकती ये भी क्लियर होने लगा था कि इंडियन इंडस्ट्रीज तब तक ग्रो नहीं कर सकती हैं जब तक कि कोई इंडियन गवर्नमेंट उनके ऊपर उनको प्रोटेक्शन ना दे ये बिलीफ तब और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया जब देश में कई सारे फैमीस आए बिटवीन 1896 टू 1900 जिसमें लगभग नब्बे लाख लोग मारे गए। एक्सट्रीमिज्म की ग्रोथ का दूसरा कारण था ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एक्सट्रीमिज्म की आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट होने का एक मेन कारण था कई ऐसे लीडर्स का सेंटर स्टेज में आ जाना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी थे और एक्सट्रीमिस्ट भी थे जैसे बाल गंगाधर तिलक अरविंदो घोष एन बिपिन चंद्रपाल बाई दी एंड ऑफ नाइन्टीन सेंचुरी नेशनलिस्ट्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका था कि वो कंट्री को खुद से गवर्न कर सकते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ़ एक्सट्रीमिज़म इज़ ग्रोथ ऑफ़ एजुकेशन एजुकेशनल ग्रोथ के कारण सबसे पहले तो लोगों को पॉलिटिकल ट्रेनिंग मिली जिससे उनकी अवेयरनेस इंक्रीज हुई अबाउट इंडिया एज़ वेल एज़ वर्ल्ड और ये एजुकेटेड इंडियंस इंडिया के पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न समझ सकते थे 19 सेंचुरी के ख़त्म होने तक बहुत से इंडियंस एजुकेटेड हो चुके थे और फिर भी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी और जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी एडमिनिस्ट्रेशन में वो भी बहुत लोली पेड थे इन एजुकेटेड इंडियंस की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ने भी उनको एक्सट्रीमिज्म की तरफ अट्रैक्ट किया इन एजुकेटेड इंडियंस को इन्फ्लुएंस किया वेस्टर्न आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी नेशनलिज्म एंड रेडिकलिज्म ने और एजुकेटेड इंडियंस की आइडियोलॉजिकल चेंज जो इन वेस्टर्न आइडियाज़ के कारण हुआ वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बना फॉर दी ग्रोथ ऑफ़ एक्सट्रीमिज्म मिलिटेंट नेशनलिज्म की ग्रोथ का फोर्थ रीज़न था इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस। इस पीरियड में वर्ल्ड में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने की मिलिटेंट नेशनलिज्म की ग्रोथ को आगे बढ़ाया 1868 के बाद राइज किया मॉडर्न जापान जिसने डेमोंस्ट्रेट किया कि एक बैकवर्ड एशियन कंट्री भी डेवलप कर सकती है विदाउट एनी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और कुछ ही डिकेड्स में जापानीज लीडर्स ने जापान को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री पावर और ये जापान की ट्रांसफॉर्मेशन बनी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट 1896 में इटालियन आर्मी को डिफीट कर दिया इथियोपियंस ने और 1905 में रशिया को डिफ़ीट किया जापान ने इन दोनों विक्ट्रीज ने ये मिथ हटा दिया कि यूरोपियन सुपीरियर हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि इस समय पूरे वर्ल्ड में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चल रहे थे जैसे आयरलैंड रशिया इजिप्ट टर्की चाइना एंड बोर वॉर इन साउथ अफ्रीका इन सभी इंटरनेशनल इवेंट्स ने एजुकेटेड इंडियंस को इन्फ्लुएंस किया कि अगर वो यूनाइटेडली रिवोल्यूशनरी मूवमेंट करें अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश एम्पायर तो वो उसको भी हरा सकते हैं पाँचवा रीज़न था ग्रोइंग वेस्टर्नाइजेशन को रेस्पॉन्स इस पीरियड में कई सारे इंटलेक्चुअल्स उभर के आए जैसे स्वामी विवेकानंद बंकिमचंद चटर्जी एंड स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने इंडिया के पास्ट को बहुत ग्लोरीफाई किया जिससे यंग नेशनलिस्ट इंस्पायर हुए और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरा इसी समय दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था इंडिया फॉर इंडियंस नेक्स्ट रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ़ एक्सट्रीमिस्ट इज डिससेटिस्फेक्शन विद द अचीवमेंट एंड मैथड्स ऑफ मॉडरेट्स यंग नेशनलिस्ट कांग्रेस के मॉडरेट मैथड से सेटिस्फाइड नहीं थे इन मॉडरेट मैथड्स को थ्री पीस से भी जाना जाता है प्रेयर पैटिशन एंड प्रोटेस्ट और इसको नाम दिया गया पॉलिटिकल मैंडिसेंसी का सेवेंथ रीज़न फॉर ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इज़ लॉर्ड कर्जनस रिएक्शनरी पॉलिसीज़ लॉर्ड कर्जन की सेवन ईयर्स की वाइस रॉयल्टी इंडिया पे बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रही इनफैक्ट ही रिफ्यूज टू रिकगनाइज इंडिया एज अ कंट्री और उसने इंडियन नेशनलिस्ट्स को लेटिंग ऑफ कैस के नाम से रिफर किया लॉर्ड कर्जन के रूल में कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ने मिलीटेंट नैशनलिज़म को हवा दी जैसे कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1899, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1904, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 1904 एंड लास्टली बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफ 1905. बंगाल पार्टीशन ने एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को कम्प्लीटली स्टैब्लिश कर दिया आइए अब जानते हैं कि मिलिटेंट स्कूल ऑफ थाट के लीडर्स कौन थे और उनकी आइडियोलॉजी और मेथड्स क्या थे बंगाल के फेमस लीडर्स थे रास नारायण बोस अश्विनी कुमार दत्त अरबिंदो घोष एंड बिपिन चंद्र पॉल वही महाराष्ट्र के थे विष्णु शास्त्री चिपलूंकर एंड बाल गंगाधर तिलक पंजाब से फेमस लीडर थे लाला लाजपत राय मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट के फंडामेंटल बिलीव्स इस प्रकार थे पहला हेट्रेड फॉर फॉरन रूल दूसरा इंडियंस को अपनी आज़ादी खुद से लेनी होगी तीसरा नेशनल मूवमेंट का गोल स्वराज है फोर्थ स्वराज के लिए डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन रिक्वायर्ड है फिफ्थ बिलीव करना मासिस के अंदर एबिलिटी है टू चैलेंज द अथॉरिटी सिक्स पर्सनल सेक्रीफाइस करने होंगे आइए ब्रीफ में देखते हैं कुछ प्रोमिनंट एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जिनको लोकमान्य भी कहा जाता है 1916 में इन्होंने फाउंड की पूना होम रूल लीग और इन्होंने ही स्लोगन दिया था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल लाला लाजपत राय जिनको लायन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है इन्होंने ही नारा दिया था गो बैक साइमन नेक्स्ट लीडर इज बिपिन चंद्र पॉल ये एक्सट्रीमिस्ट बनने से पहले एक मॉडरेट लीडर थे और एक पिविटल फिगर थे इन स्वदेशी मूवमेंट नेक्स्ट इज अरबिंदो घोष इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ बर्थ ऑफ़ अ नेशन इन्होंने ही डिक्लेयर किया था तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग ग्रोथ ऑफ़ मिलिटेंट नेशनलिज्म जिसमें हमने आपको बताया कि क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द ग्रोथ ऑफ़ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ की हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री पी देते हैं थैंक यू